तो क्या हाल चाल है आपके? इन्फिनिक्स लगातार कुछ महीनों से इंडिया में काम करता है, काम करते जा रहा है। मतलब भाई इसी महीने उन्होंने अपना टीवी लॉन्च किया, अपने ईयरबड्स लॉन्च किए, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया तो अंडर 15K में। तो हर महीने दो तीन फोन लॉन्च कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज उन्होंने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने से एक कन्फ्यूज़न है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले हमें 6 महीने में 5000 वाला टारगेट पूरा करना है। तो बाकी ब्रांड स्मार्टफोन ब्रांड्स तो आगे बढ़ती रहेंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करती रहेंगी, लेकिन आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो हो सकता है शायद इधर भी बाहर आती जाए। इस वाले फ़ोन की खास बात यह है कि ये 6000 रुपये की प्राइस में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। 2 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है और मीडियाटेक का हीलियो A20 वाला प्रोसेसर दिया हुआ है। काफ़ी बजट स्मार्टफोन है, हालांकि बजट सीरीज में आज बहुत सारे मार्केट में स्मार्टफोन उपलब्ध है, लेकिन मैं अभी भी बताऊंगा कि इसके बारे में कि इसे क्यों कंसीडर नहीं करना चाहिए, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा मन इसके से थोड़ा बहुत बहक रहा है। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि हम आने वाले 6 महीने में 5000 का टारगेट पूरा कर जाए। तो अगर इस वाले फ़ोन के फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.1 इंच का एक HD+ की LCD डिस्प्ले मिलती है। मीडियाटेक का हेलियो A20 वाला प्रोसेसर है। 8 MP का एक आपको रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा। खासियत है इस वाले फ़ोन की ये है कि इसमें आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों मिलता है। 3.5 mm का जैक भी दे दिया है, लेकिन USB Type-C पोर्ट की जगह यहाँ पे USB-B दिया है। दूसरा, इसमें 5000 mAh की बैटरी और 5 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। और इसमें आपको 3.5 mm जैक है, वोल्टेज सपोर्टेड है, प्लस इसमें आपको डुअल सिम है। तो ये बेसिक से फोन है, कॉन्सेप्ट इनका बेसिक सा है, एंड्रॉयड 10 पे आता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि इसमें 6000 की प्राइस चार्ज कर रहे हैं, 2 GB रैम दे रहे हैं। हालांकि अगर आपको याद हो, माइक्रोमैक्स ने भी इंडिया में अपना 1B लॉन्च किया था, 2 में आया था, एक 699 है, एक 799 है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके मुकाबले में 699 में ज़्यादा वो है, आपको फीचर देखने में मिलते हैं, क्योंकि कैमरा भी उसका में आपको इम्प्रूवमेंट के साथ, यहाँ तक उसके कहते हैं ना बजट सीरीज में EIS वाले कैमरा दे दिए हैं। तो मैं अभी भी प्रेफर, इसलिए मैं शुरुआत में कहा था कि मेरा मन नहीं जा रहा इस वाले फ़ोन के लिए कि आप इसे कंसीडर कर सको। ये ऑनलाइन सेगमेंट में उपलब्ध होगा फ़ोन, जो अभी 21 दिसंबर से ये सेल पे जाएगा फ्लिपकार्ट में, बाकी ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। तो 6000 के प्राइस के साथ कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी भी इसकी प्राइस नहीं है कि आप इसे आंख बंद करके ही कंसीडर कर लो। क्योंकि मैं अभी भी इसके जगह पे मैं माइक्रोमैक्स वाले फ़ोन को ज़रूर प्रेफर करूँगा, क्योंकि 6000 के प्राइस में आपको वहाँ पे 332 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्लस वहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, प्लस वहाँ पे आपको मीडियाटेक गैलियो G35 वाला प्रोसेसर मिल रहा है, प्लस वहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट के साथ आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, यहाँ पे आपको 10 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। यहाँ 5 वॉट का चार्जर, मतलब अगर रात में लगा दो तो 5000 की बैटरी को कम से कम पूरी रात चार्ज करेगा। तो ये 3-4 है, तो अगर 1000 रुपये की प्राइस आपको चार्ज भी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको फीचर्स भी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप 5-6-7 हज़ार का अगर फ़ोन देख रहे हो तो इस वाले फ़ोन से क्विट करके आप माइक्रोमैक्स के इन नोट 1B के साथ जा सकते हो, और आपके लिए वो बेटर डील हो सकती है फिलहाल इसके मुकाबले। तो बस इतना सा था इस वाले वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वाले वीडियो को लाइक करने, शेयर करने, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को, क्योंकि 6 महीने में 5000 का टारगेट लिया है। अगर साथ दोगे तो ज़रूर पूरा कर लेंगे, वरना आपका इस वीडियो से कोई सुझाव है, कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊँगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।